मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड. थिन रॉड का मतलब है एक बहुत ही पतली सी रॉड है, सच दैट मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ ऑफ द रॉड. मतलब उसकी जैसे ये रॉड तो मोटी है, मोटी नहीं है, बस लंबाई में ही मास है. एक्सिस के ऊपर ही M1, M2, M3 पार्टिकल पड़े हुए हैं. तो ऐसा नहीं है कि मास की कोई थिक रॉड है, थिक नहीं है, बिल्कुल थिन पतली सी रॉड है. तो अगर ये पतली सी रॉड है और मान लो कैसे घूम रही है, ये ऐसे घूम रही है, और अगर ये ऐसे घूम रही है तो एक्सिस कहाँ से पास करेगा? एग्जैक्टली इसके सेंटर से. तो ऐसे घूम रही है तो एक्सिस सेंटर से पास करेगा. एक्सिस सेंटर से पास करेगा तो आपको आई की वैल्यू कहाँ निकालनी है? एग्जैक्टली इसके सेंटर से निकालनी है, आई की वैल्यू निकालनी है. ठीक. तो इस केस में आपको ये एक्सिस है और रॉड का मास लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो इमेजिन कर लेते हैं कि कोई छोटा सा मास है डीएम, डीएम बहुत छोटा मास है और जिसकी लंबाई कितनी है, छोटी सी डीएक्स. तो ऑब्वियसली सेंटर से पास कर रहा है एक्सिस, तो एल बाई टू हो जाएगा. तो इस डीएम की वैल्यू, डीएम इज अ पॉइंट मास, पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हमें आता है. इस एलिमेंट की दूरी हमने एक्सिस से क्या ली, एक्स. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या आएगा, डीएम इंटू एक्स का स्क्वायर. तो डीआई की वैल्यू क्या आएगी, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर. डीएम की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर लेंथ रॉड की एल है तो मास लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एम है, वन है तो एम बाई एल है, और अगर लेंथ डीएक्स है तो एम बाई एल इंटू डीएक्स डीएम आ गया. इस डीएम को यहां पे पुट करेंगे एम बाई एल इंटू डीएक्स और इसे इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा पूरी रॉड का. अब इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या लगेंगी, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहे, लिमिट भी एक्स की लगेगी. तो अगर एक्स की वैल्यू जीरो करते हैं तो ये एलिमेंट कहां पर पाया जाएगा, एग्जैक्टली इसके एक्सिस पर. एक्स जीरो का मतलब ये एलिमेंट एक्सिस पे है. और अगर एक्स की वैल्यू एल बाई टू करते हैं तो ये एलिमेंट कहां पाया जाएगा, यहां पे कॉर्नर पे. पर अगर मैं जीरो से एल बाई टू लगाता हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ और सिर्फ आधी रॉड का आता है, बस राइट वाली रॉड का आता है, लेफ्ट वाली का नहीं आता. तो इसलिए मैंने क्या किया, लिमिट लगाई जीरो से एल बाई टू. तो पूरी रॉड निकालने के लिए टू से इस रिजल्ट को क्या किया, मल्टीप्लाई, ताकि पूरी रॉड कवर हो गई. तो इसकी इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री है, लिमिट अपर एंड लोअर पुट करेंगे तो आंसर आएगा एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व. तो ये डेरिवेशन तो शायद ना भी आए पेपर के अंदर, मैंने कहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेरिवेशन आती नहीं है वैसे, पर आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए. अब थोड़ी देर में हम फॉर्मूलाज की लिस्ट बनाएंगे, अब मेरे साथ साथ लिखना. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू एक रॉड की जब एक्सिस सेंटर से पास करता है, फॉर्मूला क्या होगा, एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व. तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व.